कॉमेडी भाई, मैं तो चला घूमने। वाह, जय हिंद। आप 7:21 हो रहे हैं और आप सभी लोग आ चुके होंगे। हाँ, सभी लोगों को लिए गुड इवनिंग बेटा। काफ़ी कुछ बच्चे जो अपना रोज़ एक जुड़ते हैं वही जुड़े हुए हैं। अमृता, शिवेंद्र कुमार, प्रगति बेटा, युगांग, ठीक है ना, मोहित यादव भी जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग बेटा। शिक्षा उड़ान, जय हिंद बेटा, ठीक है। सुभी सिंह, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है ना। तो आकांक्षा कुशवाहा भी जुड़ चुकी हैं, अमृता बेटा, सभी लोगों गुड इवनिंग, ठीक। और आज हम लोग फिर चल स्टार्ट करते हैं जो हम लोगों का एक ध्येय वाक्य बन चुका है, आज का सार, ठीक है। और आज के सार में फिर हम प्रश्नों को ले रहे हैं। आज के प्रश्नों में आपको थोड़ा सा स्टैटिक्स थोड़ा सा ठीक ठाक हमने रखा हुआ है, ठीक है ना, ताकि आपको स्टैटिक्स का प्रश्न आपसे कराया जाए, ठीक है। शिवा यादव आ चुके हैं बेटा। बस आने के पहले देखिए, जो आप लोग का काम है कि सबसे पहले तो आप अपने जितने भी मित्र यार हैं या अपने आप लोग जो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर वगैरह वगैरह जो भी आप साइट चलाते हो और इसको जहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और हम आशा यही करेंगे कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, एक समय ऐसा भी आएगा कि जितने बच्चे भी सो रहे हैं, ठीक है ना, वो लोग भी जगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ेंगे ताकि एक माहौल बनाया जा सके, ठीक है, कंपटीशन का, ठीक है ना। अभी कुछ बच्चे हैं जो इसको लेकर सीरियस नहीं हैं, लेकिन जब उन्हीं में से जब ये जो बच्चे रेगुलर हो रहे हैं और इन्हीं में से जब कुछ बच्चों का हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो उनको ये समझ में आएगा कि हमसे गलतियाँ कहाँ हुई, ठीक है ना। तो आप ये देखेंगे कि कोई दिक्कत नहीं भैया। और सबसे बड़ी बात, आप मेहनत देखिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ और अंकित भैया अपने काम पे लगे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी नहीं जाता है और वो भी हमारी क्लास का, हम उनकी क्लास का लुत्फ़ उठाते हैं, ठीक है ना, क्या करें, ठीक। राधे राधे बेटा, सब लोग आते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आ जाइए। फिर एक हम लोग देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आज रखे गए हैं। और कल आप लोगों ने शायद बंगाल विभाजन के को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और अभी जिन बच्चों ने बंगाल विभाजन को नहीं देखा बेटा, कल अच्छे से उसको देखिए और नोट करके कल हमको कॉपी जरूर लाइएगा। हम सब की कॉपी चेक करेंगे कि बंगाल विभाजन किसका लिखा है अथवा किसका नहीं लिखा हुआ है, ठीक। बंगाल विभाजन के बाद कल की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है आपकी। देखिएगा कि 1906 से हम लोग चलेंगे कलकत्ता अधिवेशन से, और मुस्लिम लीग सूरत अधिवेशन, ठीक है ना, बहुत कोई भी पार्ट उसमें छोड़ा नहीं जाए, मैं कोशिश तो यही करूँगा। चलते हैं। तो आज सबसे बड़ी बात है कि बेटा तुम लोग की मेहनत अपनी जगह है, लेकिन आज जो बच्चा ये इसको बना रहा है, सबसे उससे आपको सीखना चाहिए कि फीवर है लेकिन उसके बावजूद उसने अपने काम को बखूबी निभाया है। तबीयत ख़राब होने के बावजूद उसने इसको कंप्लीट किया है कि भैया ये किसी भी चीज़ में रुकना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो कम से कम उस बंदे के लिए हम चाहेंगे कि सब लोग बोलेंगे बेटा करके दिखाएंगे और देखते हैं उसने क्या आज खास बनाया है, ठीक है ना। तो देखिए, बहुत अच्छी बात उसने लिखी है। हर बार कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत अच्छी लगता है। बढ़ती रहेगी मेहनत हमारी, बढ़ती रहेगी मेहनत जब तक मुकाम ना पाऊँगा, ठीक है ना। मतलब यही है कि हम अपनी मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, वो आप हो या हम हो। आप देखिएगा बेटा कि जैसे जैसे और मौसम थोड़ा सा गर्मी की ओर जाएगा, आप देखिएगा कि गर्मी उधर बढ़ेगी और इधर हमारी टाइमिंग भी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो हम भी मेहनत करेंगे और आप भी मेहनत करेंगे, रुकने का सवाल ही नहीं है। अरे कोई भी नहीं रुकना, पसीना कितना भी टपके कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जब तक जीत ना जाऊँगा। जीत हमारी, जीत तो बेटा आपके हाथ में है। आप जीत गए तो समझ लो हम जीत गए, और हमारी जीत आपके हाथों में है। आप जीतेंगे तो हम भी बोलेंगे कि हम भी करके दिखाएंगे, ठीक है। आपने बहुत अच्छा इस बार रिजल्ट दिया SSC GD का, ठीक है ना। जिस प्रकार से प्रश्न चिल्ल या अफवाहों का एक दौर चला था,
उन अफवाहों को हम तो शांत हो गए थे कि हमारा तो मौन है, ठीक है, लेकिन आपने बखूबी बहुत अच्छा आंसर दिया है, ठीक है ना। आप इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए, ठीक है, और हम जितना प्रयास कर सकते हैं आपके लिए करेंगे, हमारी टीम जितना प्रयास कर सकती करेगी। चलते हैं आज के नए क्वेश्चनों की ओर और देखते हैं क्या क्या आज प्रश्न में। ठीक, पहला प्रश्न आपका है, ठीक है ना, आज जो पोखराण में टॉपिक पढ़ाया है उसी से हमने एक प्रश्न को बनाया है कि शांत जल की नीति किसने लागू की है। फटाफट आप इसके आंसर दीजिए बेटा। आंसर भी अल्बिडा आकांक्षा कुशवाहा अल्बुकर्क, ठीक है, बी अपूर्वा, बी रुचि, ए जिक दीक्षा, ए हाँ मुकेश बेटा, ए आकांक्षा अल्बुकर्क। एक अच्छी शिक्षा की क्या बात है, प्रियंकेश लगातार लगे हुए हैं, ठीक है, चलिए बी दीक्षा कुशवाहा, ए हाँ सीताराम बेटा आपका ए है, नेहा शर्मा जी आपका ए है, ठीक है, प्रीति बघेल का बी आया हुआ है, आनंद देखिए बेटा एक चीज देखते हैं, तो हमने जो प्रश्न बनाया, देखिए शांत जल की नीत का मतलब क्या है। पुर्तगाली आपको पता है कि समुद्र के रास्ते पुर्तगालियों में सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1498 में याद रखिएगा वास्को डिगामा आता है, और वास्को डिगामा के बाद अगर कोई दूसरा जो यात्री आता है वो दूसरे नंबर पे ये है बेटा, याद रखिएगा कि वास्को डिगामा के बाद दूसरा पुर्तगाली कौन था जो भारत में आता, वो कैब्राल है। लेकिन अब बात करते हैं कि बात यहाँ पर आती है, इसी प्रकार जो सबसे पहला गवर्नर बन के भारत में आया था वो बेटा था पहला पुर्तगाली गवर्नर, पुर्तगालियों में बेटा, ठीक ना बेटा, वो अल्मीडा ही था। और एक कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा कि अगर आप पहली बार कहीं पर भी जा रहे हैं तो आप बहुत शांति से रहेंगे जब तक कि वहाँ के माहौल को आप भली भांति जांच न लें। ठीक इसी प्रकार जब अल्मीडा आया है तो अल्मीडा ने ये दिखाने की कोशिश की है कि वह मात्र व्यापार करने आए हैं, ध्यान करिए क्या अंग्रेजों ने आते ही आते इस प्रकार का कोई क्या लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया था, नहीं, वो भी शांति से व्यापार करने आए थे। सेम कंडीशन जब अल्मीडा जो आया है बेटा उसी ने सबसे उसकी द्वारा लागू की गई नीति को हम बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति। अब बच्चों यहां पर देखिएगा जो अल्बुकर्क है वो इस शांत जल की नीति को बेटा समाप्त करेगा। क्यों समाप्त करेगा, क्योंकि आपको देखिएगा बोला जाता है कि पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं, तो वास्तविक संस्थापक के बारे में अगर आपसे बोला जाए तो आप देखिए उस जमाने में अगर आप किसी साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक हो रहे हैं इसका मतलब है कि आपको उस जमाने में युद्ध तो करना ही पड़ेगा। तो अल्बुकर्क था जिसने हमने आपको बताया था कि बीजापुर में याद रखिएगा उस समय यूसुफ आदिल शाह थे। कौन थे बेटा, यूसुफ आदिल शाह थे। बहुत अच्छे से एक एक प्रश्न को हम निचोड़ेंगे। और यूसुफ आदिल शाह इसने बेटा गोवा छीन लिया था। अब बताइए कि अगर गोवा को छीन रहा है तो क्या इसकी इस नीति को हम शांत जल की नीति कह सकते हैं, नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो गोवा, लेकिन एक बुद्धिमानी याद रखिएगा कि पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी जो कोचीन है अभी भी कोचीन रहेगी। हमने बताया है कि कोचीन जो राजधानी गोवा के रूप में परिवर्तित होगी, भले इसने जीता है गोवा लेकिन याद रखिएगा गोवा राजधानी निनोडी कुन्हा के शासनकाल में बनेगी, जो इसके बाद आने वाला तीसरा पुर्तगाली वायसराय होगा, ठीक है ना। तो यहां पर याद रखिएगा अल्बुकर्क ने इसीलिए जब गोवा छीना तो हमने आपको बताया था गोवा में उसने बहुत सारे चर्च बनाए। चर्च क्यों बनाए, क्योंकि उसने कहा था पुर्तगालियों से कि अगर आपको स्थायित्व प्राप्त करना है तो भारतीय महिलाओं से विवाह करना पड़ेगा। तो यह भी प्रश्न आ चुका है कि वह कौन सा बेटा पुर्तगाली
गवर्नर होगा जिसने भारतीय स्त्रियों से पुर्तगालियों से भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने के लिए प्रेरित किया वो अल्पवर्क है। लेकिन आपसे पूछा ये गया है कि शांत जल की नीति किसने लागू की है बेटा, तो शांत जल की नीति हमको फटाक से आप बताइए, हमने क्या बताया कि शांत जल की नीति लागू की है बेटा अल्मीडा ने, समाप्त किसने की है बेटा अल्बुकर्क ने, गोवा किसने जीता है अल्बुकर्क ने, वास्तविक संस्थापक कौन है अल्बुकर्क है, और जनैया झैया नाना मतलब शादी करने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है अल्बुकर्क, ये सारी। हाँ, हाउत मैन के बारे में अगर आप जाने तो ये बेटा डच था, ठीक है, ये पहला डच था जिसे पूर्व क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए भेजा गया था, तो ये याद रखिएगा वो हाउथ मैन, ठीक, इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिए, जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न हो वो दोबारा इसको देख लेगा, कई बच्चों के आंसर थोड़े से गलत हुए हैं, ठीक है ना, चलते हैं। हरिओम जी आ चुके हैं, क्या बात है, चलिए तो इस प्रश्न को बेटा अच्छे से देख लोगे, कहीं से कोई एक एक प्रश्न को हम लोग निचोड़ेंगे, हर प्रश्न के बारे में एक एक बिंदु के बारे में देखेंगे, अब ना अल्बुकर्क कभी गलत होगा, इन 48 जो जितने बच्चे भी ऑनलाइन हैं इन बच्चों से ये प्रश्न तो हमको नहीं लगता कभी अब गलत होगा, मैं सही कह रहा हूँ बेटा, चलते हैं आगे। चलिए तो आपको देखिए, एक तरफ देश दी गई है, एक तरफ संसद दी गई है, आपको ये देखना है इनमें से कौन सी संसद हमने गलत लिखी है। बहुत देखिए, ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप कोशिश करेंगे जो आ रहा है, अगर दो नहीं आ रहे तो उनमें आप थोड़ा सा गेम खेलिएगा, और आसान गलत नहीं करना है हमको, बस किसी ने डी बोला है, क्या बांग्लादेश की बेटा, हाँ इसमें दो हो गए हैं क्योंकि राष्ट्रीय जो पंचायत है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया मामला है, हाँ देखिए क्योंकि लोग इसका आंसर देखिए, नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत भी हो, जापान की, ये बिल्कुल सही है, स्पेन, हाँ स्पेन नीचे के दोनों गलत हैं, थोड़ा सा गड़बड़, कोई बात नहीं, आपको जो आ रहा है वो दे दीजिए, हाँ बेटा ये स्पेन वाला भी गलत है, नेपाल लिख रही, आप जो भी पहला वाला स्पेन की गलत है, स्पेन की हमने कोर्टस बताई थी, ध्यान करिएगा, और ये खुरल किसकी है बेटा, ये हमको बस बता दिए, यही है प्रश्न, आपका आंसर सही रहेगा, खुरल किसकी है, सी और डी इसके दोनों आंसर होंगे, ठीक है। नेपाल का बेटा राष्ट्रीय संसद होती है, इस प्रश्न का आंसर राष्ट्रीय पंचायत, सॉरी, ठीक है, इस प्रश्न के आंसर को हम सबको नंबर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत होगी, ठीक है, जातीय संसद बांग्लादेश की होती है, स्पेन की कोर्टस होती है, खुरल होती है मंगोलिया की, खुरल किसकी होती है बेटा, मंगोलिया की होती है, याद रखिएगा, और इनसे प्रश्न आएगा, बाकी अफगानिस्तान सूरा सही है, और आपका जापान का डायट सही है, ये बिल्कुल आपको रटी होनी चाहिए, जिन बच्चों ने केवल सी देखा वो गड़बड़ आ गए, जिन बच्चों ने रुक के आंसर दिया उन्होंने दोनों आंसर निकाल दिए। चलिए, इस प्रकार के प्रश्नों की इस बार भरमार रही है तो हम भी इसी प्रकार के प्रश्न बना बना के लाएंगे, बहुत सावधानी से इस प्रश्न को करिएगा बेटा, टेनिस खेल में, टेनिस जो खेल होता है वो कितने अंकों का होता है, ठीक है ना, मैं पुखराया वाले बच्चों से इसका आंसर चाहूँगा, और चाहूँगा कि वो आगे अपना नाम जरूर, नाम के आगे कुछ लिख देंगे कि पी बना देंगे मतलब पुखराया, ए बना देंगे अकबरपुर, और आर बना देंगे रूरा। चलते हैं इस प्रश्न की ओर, राव साहब सी, प्रगति सी, नेहा शर्मा सी, प्रमोद कुमार, जो पुखराया वाले हैं बेटा वो जरा लिखते जाएंगे, सी मुकेश सी, अपूर्वा सी,
आशीष सी, रूरा दीक्षा कुशवाहा 40। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारे बच्चों ने फिर वही मिस्टेक की जो हम कभी नहीं चाहते कि आप लोग करिए। एक्चुअली में ये प्रश्न जब ने आज सुबह पुखराया में कराया था या शायद हमने कभी अकबरपुर में कराया हो, तो वो जो एसएससी का प्रश्न जो अभी हाल ही में जीडी में आया था, वो प्रश्न आया था वो ये नहीं था। उसके स्थान पर बैडमिंटन शब्द का प्रयोग किया गया था कि बैडमिंटन खेल कितने अंकों का होता है, और उसका आंसर था 21 अंकों का होता है। ठीक है ना, वो आज हमने लिखाया भी था। आपने देखा हमने प्रश्न चेंज कर दिया इस बार। हम यही देखना चाहते थे कि बच्चा अभी भी मम्मी के नाम का, मम्मी को पूछने पर पापा का नाम दे रहा क्या, और अभी भी आप लोग वही कर रहे हैं। आपने प्रश्नों को नहीं देखा, आपने केवल ऑप्शन देखे भैया ने आज क्या कराया था, और उसी ऑप्शन के आधार पर आंसर मार दिया है। जिन बच्चों ने जल्दबाजी की वो अपना नंबर गंवा चुके हैं, और इसका आंसर जिन्होंने 40 दिया है, बहुत लोगों ने रुक के आंसर दिया है 40, वो बिल्कुल सही है। जब बैडमिंटन का प्रयोग करेंगे तब आपका आंसर बेटा कितना होगा, 21 अंकों का होता है, जो कि अभी एसएससी जीडी में पूछा गया था। और जब टेनिस की बात करेंगे तो 40 अंकों का होता है। ठीक है, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं बेटा, थोड़ा सा रुक रुक के हौले हौले चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक कौन थे। फटाफट, क्योंकि ये भी प्रश्न भी हाल ही पूछा गया है, उसी प्रश्न को हम लेकर आए हैं। थोड़ा सा ऑप्शन में हमने ऊपर नीचे किया, आप देखिए। संस कोई मतलब नहीं, हाँ दीक्षा बी 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 सी। हाँ तो बेटा इसमें जरा एक प्रश्न और बना देते हैं कि इनमें से कितने ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने ओलंपिक में ध्वजवाहक का कार्य किया है, या ध्वजवाहक के रूप में उन्होंने बेटा उनको कार्यभार सौंपा गया था। जरा पहचानिए और फिर आंसर दीजिए। एक प्रश्न और बना दिया हमने, ठीक। देखिए इसमें चूंकि प्रथम की बात की जा रही है तो ये आया हुआ प्रश्न है, और प्रथम कौन बेटा, पूर्णा बनर्जी, नो डाउट। लेकिन आपको पता है कि एक बंदा और भी है, अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने याद रखिएगा 2016 में ध्वजवाहक के रूप में ओलंपिक में आए हुए थे, भारत का तरफ से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। तो यह डेट से इसको नोट कर लीजिएगा, अभिनव बिंद्रा के, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। बहुत अच्छा सोच समझ के प्रश्न बनाया गया है, किसके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। जरा बताइए किसके बचपन का नाम बेटा लक्ष्मण देव था, फटाफट इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन है गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव, बंदा बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। शिवम वर्मा का सी आ चुका है, बिल्कुल बेटा आंसर आपका एकदम सही चल रहा है। चलिए श्रद्धा पांडे सी, ठीक है। अंकुश यादव बेटा 4 आंसर आपने, चौथा दिया है आंसर, ठीक। देखिए अपूर्वा सी, ठीक है। अब लगभग लगभग सबका सही आंसर आ रहा है बेटा, बिल्कुल सही है बंदा बहादुर। हमने आपको बताया था आज हम आपको उत्तर मुगल के बारे में बता रहे हैं, और जिसमें से जो आपने उत्तर मुगल में पहला पढ़ा मुअज्जम, जिसे हम बहादुर साहब प्रथम के नाम से जानते हैं, और उसे शासन में रुचि नहीं थी, जिसके कारण उसे हम शाह ए बेखबर के नाम से भी जानते हैं। शाह ए बेखबर के समय याद रखिएगा कि एक बहुत अच्छा भी था बहुत बुरा भी था। एक जगह जहां पर गुरु गोविंद सिंह को वो उच्च मनसब भी देता, तो वहीं बंदा बहादुर जो है उनसे टकराव करता है, और इसी विद्रोह को दबाते हुए एक विद्रोह होता है 1712 के आसपास, और उसी में बहादुर शाह प्रथम या साहेब अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यही बंदा बहादुर हैं जिनके बचपन का नाम बेटा क्या है, लक्ष्मण देव है, जो जब फर्रुख सियर का शासन काल आएगा तो बेटा इनकी हत्या करवा दी जाती है, और यही आपके बंदा बहादुर है। अगर नाम की बात करें तो इन दोनों का नाम वही था। गुरु अंगद को जरूर लहना के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, ये जरूर आ चुका है। बाकी कोई नाम पे दो ही प्रश्न बनेंगे इन पर, वो दोनों में से एक हमने आपको दे दिया, एक आपके ऊपर ये लिखा है।
चलिए अगला प्रश्न, आपसे अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने की बात कही थी? बेटा कितने की, जिन्होंने मूल कर्तव्य जोड़ने की बात की सिफारिश की थी, जल्दबाजी नहीं करना। ऑप्शन 8, 9, 10, 11। आकांक्षा कुशवाहा 8, अंजलि 10, प्रियंकेश 10, अभय ए 8, दीक्षा 8, प्रमोद कुमार 10, हाँ 10, 10, 10, 10, ठीक, आशीष कुमार ए। चलिए, हमने आपको बताया था कि मूल कर्तव्य जो कि भूतपूर्व सोवियत संघ USSR से लिए गए, ठीक है ना। देखिए, अधिकार आपको मिले, राज्य के क्या कर्तव्य थे, DPSP में बात कर ली गई, लेकिन आपके कर्तव्य क्या हैं देश के प्रति, तो उन्हीं मूल कर्तव्यों को याद रखिएगा के लिए स्वर्ण सिंह कमेटी आई। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। कमेटी ने बेटा 8 की सिफारिश की थी, जिनका आंसर 8 है, ठीक है, वो बिल्कुल सही, क्योंकि ये हम पूछ रहे हैं। जोड़े कितने गए थे, 10, और वर्तमान में कितने हैं बेटा, 11। जो आपका एक बढ़ा है, ये क्या है, यही जो एक बढ़ा है, यही है बेटा शिक्षा का अधिकार। शिक्षा 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, पूछा जो जाए वो प्रश्न दीजिए, मूल कर्तव्य कितने जोड़े गए, जोड़े कितने गए बेटा, इतने, वर्तमान में कितने हैं, 11, सिफारिश कितनी की थी, 8 की। जिन बच्चों से गलती हुई है, ठीक है ना, परेशान ना होइए, खासकर जो अकबरपुर वाले बच्चे, उनको लगभग सबका आंसर सही था, थोड़ा सा गड़बड़ जो हुआ है वो पुखराया से हुआ, कोई बात नहीं बेटा, ठीक। चलिए, हाँ हाँ चलिए, इसी के आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पहली बार जातिगत आधारित जनगणना कब हुई? फटाफट बेटा आंसर दीजिए, 1972, 1872, 1881, 1901। किसी ने 1972 आंसर दिया है, शाबाश। किसी ने ओम जी तिवारी 1872। बेटा ओम जी, आपसे हम इतना ही कहेंगे कि जैसे आप लगे हुए हैं ऐसे ही लगे रहिएगा, ठीक है। मैं जिसको जिसको नाम, हाँ प्रतिभा बेटा 1902 का ही ऑप्शन है क्या, ये तुमने कहाँ से बना लिया 1902। हाँ, शिक्षा की उड़ान जो भी है बेटा, ठीक है ना, आप भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। हाँ, अनुज सिंह, हम जिनका जिनका नाम लेते जा रहे हैं, ठीक है ना, आनंद सिंह सॉरी 1972 आप दे रहे हैं बेटा, आप तो हमको छोड़ेंगे ही नहीं, नहीं 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 तो कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है ना। हाँ, आकांक्षा पाल बेटा, आप प्रश्नों को अच्छे से रीड नहीं कर रही हैं, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान दरिए, ठीक है। हाँ, सुभी ठीक है, हाँ दीक्षा कुशवाहा बेटा, आप भी थोड़ा सा हमारे क्वेश्चनों को दोबारा से पढ़िए, उस पर क्वेश्चन में कुछ है, हम जिनको जिनको टोंक रहे हैं वो थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से देखें। हाँ, आकांक्षा पाल, अभी भी आकांक्षा पाल बेटा आपका आंसर वही आ रहा है, ठीक है ना। प्रियंकेश, प्रियंकेश तुम तो बेटा हमको छोड़ना ही नहीं, जिन बच्चों ने कल की क्लास बंगाल का विभाजन देखा होगा तो शायद उनको ये टॉपिक वो कभी भूल ही नहीं सकते, ठीक है ना बेटा। जब जरूरत पड़ती है तब लोग जातिगत आधारित जनगणना करते हैं। देखिए, पहली जनगणना ये पहली बार हुई, ठीक है, लॉर्ड मेयो, ठीक। पहली नियमित जनगणना, ठीक है ना, लॉर्ड रिपन। पहली जातिगत आधारित गणना, लॉर्ड कर्जन। कितनी ब्लंडर मिस्टेक आप लोग कर रहे थे, जिन बच्चों को यह प्रश्न मिला होगा बेटा दोबारा गलती नहीं होगी, इसलिए लगे रहिए और नोट करते रहिए।
ठीक, सब लोगों को समझ में आया होगा। इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, आपने इसको पढ़ा ही नहीं, जनगणना पढ़ा बस आंसर मार दिया। ठीक है, मोनू सिंह अभी भी दो चिल्ला रहे हैं बेटा, आंसर आपके सामने है, इसको थोड़ा सा नोट कर लो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सदन है जो ना तो राष्ट्रपति को चुनने में शामिल है और ना ही हटाने में, जल्दबाजी ना करिएगा बेटा, सोच समझ के आंसर दीजिए। चलिए मोनू बेटा, मोनू आप हमको छोड़ कर कहीं नहीं जाओगे, ठीक है ना। हम जिनको जिनको बोलते रहे वो हमको अगर छोड़ के गए तो दीवाना तेरा मर जाएगा, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, डी 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 डी, अंकुश तुम भी छोड़ के नहीं जाओगे बेटा। शिवा बेटा तुम भी छोड़ के नहीं जाओगे। देखो प्रश्न को आप लोग पहली बार तो इस, ये प्रश्न कम से कम ट्रेंडिंग में चल रहा है और ये प्रश्न सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न उत्पन्न करता है। आप प्रश्न को पहले सुनिए, पढ़िए और इसके बाद यहाँ कट्टम कुट्टी करना चालू करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, कौन सा सदन है जो ना तो राष्ट्रपति को चुनने में शामिल है, ये तो चुनने में शामिल है, चलो ये तो शामिल है, चलो ये तो शामिल है, आगे की लाइन पढ़ो ही नहीं, आंसर आ चुका है, क्योंकि ये नहीं चुनने में शामिल है और ना ही चुनने में शामिल है ना ही हटाने में शामिल है, आंसर इतनी ही लाइन से आ चुका है। ठीक है, ये शामिल है लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, आप पढ़ चुके हैं आंसर, आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं जिनका भी गलत हो रहा है, इतनी लाइन पढ़ लेते आगे पढ़ने की जरूरत नहीं थी। ठीक, चलिए अगला है, किसे अजात शत्रु नामक उपनाम से जाना जाता है। छांट छांट के प्रश्न लाए हैं हम बेटा, कि लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या जयप्रकाश, आंसर आना चालू हो गया। ए किसी ने जयप्रकाश दिया है, डी की भरमार हो चुकी है, सी की स्टार्टिंग हो चुकी है, अमित हाथ दिखा रहे हैं और कुलदीप बेटा जयप्रकाश चिल्ला रहे हैं, क्या बात है। देखो अब हम लोग निकालते, इन्हें शांति पुरुष कहते हैं, शांति पुरुष, ताशकंद समझौता, गए थे एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी हत्या, जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई है, ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी, इन्हें चच्चू कहते हैं, चाचा, इन्हें कहते हैं अजात शत्रु, ठीक है, ठीक है ना। और जयप्रकाश को लोकनायक, जो बच्चों नहीं लिख पाए हैं पूरे आंसर नोट कर लो, कल सुनइयो, ठीक। चलो ठीक है ना, हाँ स्टैटिक्स तो बेटा इसे ख़त्म कर ली जाएगी, हम लोग चलते हैं आगे। हाँ भैया, सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है, ये प्रश्न तो लगभग पेपर में आता रहता है, ठीक है, अंदाजे में उठा के आंसर मारना चालू कर दीजिए बेटा। शालिनी, दीन, प्रियंका, बेटा कल आ जाती इतनी जल्दी कह आ गए तुम, कल आ जाती। अमित ने बताया है कि भैया 150 ग्राम पनीर के बराबर, चलो भैया आशीष, एक काव्य सी, अपूर्वा, अपूर्वा बउआ की बात नहीं हो रही, तुम 150 ग्राम में चली गई हो, मनुष्य की बात हो रही है और सामान्य वजन होता है 300 ग्राम,
इतनी बार प्रश्न आ चुका है, इसको देखिए सामान्य वजन कितना होता है, रक्तचाप कितना होता है, अब हृदय कब आराम करता है दो धड़कनों के बीच में, ठीक है ना। ये सब प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट करिए। चलिए अगला प्रश्न, इस प्रश्न को देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं एकदम ये मान के चलिए गोली की तरह। प्रश्न है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? श्रद्धा द्विवेदी, अमित यदुवंशी बोल रहे हैं कि भैया छोटे बच्चे का, छोटा बच्चा पूछा था क्या प्रश्न? देखिए हो मनुष्य पूछा जा रहा है और मनुष्य बच्चे में समझ में नहीं आ रहा अंतर का होते। रुचि 4, सुभि, काव्या 35, प्रीति बघेल डी, काव्या 35, आकांक्षा पाल 35, दीक्षा 60, प्रीति बघेल डी, हर्षिता 62। अरे ये नहीं समझ में आ रहा है, वो न्यूनतम पूछ रहा है और अरे बच्चा प्रश्न नहीं दे रहे, भाड़ में जाए प्रश्न, ऐसे ऐसे लंका डाए हो तुम लोग कि हम तुमसे पूछ रहे हैं कि तुमको हाई स्कूल देने, हाई स्कूल का पेपर देने की न्यूनतम आयु कितनी है, ठीक है ना, और तुम क्या कर रहे हो, तुम दे रहे हो रिटायरमेंट ही वाला आंसर, क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाए हो तुम लोग, प्रश्न मतलब ही नहीं है भाई, तो कह रहे मत, कोई कोई बच्चा तो 60 आंसर दे रहा है, ऐसा इंसान धन्य है, 60 ऑप्शन में कहा है यार हमको, या तो हम अपनी आंखों का यार ऑपरेशन करवा लें या तो तुम लोग की आंखों का ऑपरेशन कर दें, हैं? हम 3 बार उसको पलट पलट देख रहे हैं कि ऐसा तो नहीं हमको मायोपिया वायोपिया सब एक साथ हो गया है, जरा दृष्टि दोष हो गया है, मतलब कुछ समझी में नहीं आ रहा, 60 ठीक, कोई 35 दे रहा है, राष्ट्रपति बना दे रहा है सीधे सीधे, मतलब लंका ढाई हो यार, कॉन्सेप्ट है सीधी सी बात है यार कि मिनिमम आयु है ही नहीं उसकी, ठीक है ना, कहीं भी न्यूनतम आयु का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अगर प्रश्न यहाँ पर सामान्यता शब्द का प्रयोग कर देते तो सामान्यता शब्द का प्रयोग कर देते तब आंसर 45 हो सकता था, ठीक है ना, लेकिन संविधान की बात करें तो कहीं कोई उल्लेख नहीं, 45 में इसका आंसर होगा, चौथा इनमें से कोई नहीं। और जो 60 वाले हैं अभी हम दोबारा उसको नाम पढ़ेंगे, उसको याद रखना, कल गजब का अवार्ड मिलेगा, ठीक है, वाकई में तुम्हारे जैसे बच्चे हो ना तो बताएं कैसे क्या करें, तुम लोग क्या करो, क्वेश्चन मान लो कोई आया और 4 ऑप्शन है तो तुम लोग हमको अपने अकबरपुर वाले बच्चों जितने भी अपने अच्छेस वाले इतना ज़्यादा टैलेंटेड हो चुके हैं ना कि हकीकत में कह रहे हैं वो क्या करेंगे, उठाएंगे प्रश्न, कहेंगे ये प्रश्न गलत है, इसके स्थान पे प्रश्न है कि राम के लौंडे का क्या नाम रहा है, राम के लड़के का क्या नाम रहा है, लवकुश, ठीक है, टिक, आयोग एक नंबर हमको दे दे, अपने मन से क्वेश्चन, अपने मन से आंसर बना लेना, बहुत बढ़िया, ठीक, चलो चलते हैं अगला, चलते हैं अगला, देखिए यह बताना है कि देश है एक तरफ आपके गुप्तचर एजेंसियों हैं और आपको यह देखना है कौन सा हमने गलत लिखा है, फटाफट देखिए, आकांक्षा कुशवाहा ईरान गलत है, तो बेटा ईरान की का है, अब तुम लोग भाई ऐसा ना करने लगना कि अपने मन से कोई बना दो फिर उसका आंसर देने लगना, हाँ कोई पूछे ईरान की, हमने पूछा आंसर क्या, तो कोई ये ना बोलने लगना फिर आंसर डी है, हाँ सवाका, शाबाश बेटा इसकी सही है, सवाका है बेटा, और याद रखिएगा ये अल मुख बरात जो है वो ईरान की नहीं है, वो इराक की है, इस प्रकार के नाम में ही बेटा कंफ्यूजन होती है, बाकी जापान की, नाइचो, यूके की स्पेशल ब्रांच, और इसको कौन नहीं जानता, इजराइल की मोसाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, एकदम उड़ता हुआ आपके पास आया है जो कि हमने बोला था
दोनों ध्रुवों पर जाने वाले पहले व्यक्ति बताइए, दोनों ध्रुवों पर जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताना, फटाफट बताइए। याद रखिएगा कि आर्मी के बच्चे जिन्होंने आर्मी की वर्दी का एक स्वप्न देख रखा है, उनका आर्मी का बैच स्पेशल बैच है, केवल आर्मी और कोई दूसरा मिलावटी खीर नहीं बेटा, केवल आर्मी का बैच आपका सायंकाल ढाई बजे से, सॉरी दोपहर में ढाई बजे से चल रहा है, ठीक है ना। और याद रखना इस संडे को गदर मचने वाली है, संडे को चूंकि 30 नंबर का पोर्शन हमारा है और हम संडे को चूंकि लास्ट संडे को सभी ब्रांचेस में अवकाश रहता है, लेकिन जो आर्मी के प्यारे हैं याद रखना उनको सुबह 9 बजे से मैं पढ़ाना चालू करूंगा और कम से कम उसी दिन में 6 नंबर का पोर्शन आपको बता के जाऊंगा, 6 नंबर आपके इसी संडे को मैं कंप्लीट करा के जाऊंगा। नोट कर लेना और इसके बाद जब पेपर में आया तो टिक कर लेना, टिक करना आपका काम है, दौड़ना आपका काम है, रिटर्न हमारा काम है, ठीक है ना। तो जो भी आर्मी के प्यारे हैं अगर बेटा मौका चला गया तो याद रखना वीर हट जाएगा, अग्नि बचेगी जो तुम्हारे जीवन में बेटा कोहराम मचा देगी, ठीक है ना। तो लेट मत करो और रोज सपना जिन्हें सुबह उठते हो हाय वर्दी हाय बंदूक, तो सपना ना देखो, ठीक है ना, चुपचाप ज्वाइन कर लियो, नहीं तो वही बताओगे कि अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक। तो ज्वाइन करो फटाक से। हाँ, इसका देखिए यूआई पृथ्वी, यूआई उत्तरी ध्रुव, यूआई दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये क्या है बेटा? उत्तरी ध्रुव। और ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव। अब देखो बेटा उत्तर में जाने वाले कौन हैं? रॉबर्ट पियरी, याद रहेगा। दक्षिण में जाने वाले कौन हैं? कट्टम गुट्टी कर रहे हैं, एमंडसेन, ठीक। दोनों में जाने वाले कौन हैं? रॉबर्ट स्वान, ये दोनों में जाएंगे, ठीक है ना, मन नहीं मान रहा है। और रही बात पीटर हैबलर की बात की रहे कर रहे हो, तो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जाने वाले पहले, याद रखिएगा पहले व्यक्ति थे बिना ऑक्सीजन के, ठीक है ना। इन पर क्या है? बिना ऑक्सीजन के, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले पहले व्यक्ति, जाने वाले पहले, ठीक है ना। नोट कर लेना अच्छे से, गलत न होने पाए। हाँ बिटिया बउआ अमित बिटिया सब सही हो, ठीक है, जिनका गलत है, ठीक है। तो एमंडसेन कहाँ गए हैं? दक्षिणी ध्रुव। रॉबर्ट पियरी कहाँ गए? चूंकि अमेरिका के, कहाँ गए? ऊपर। एमंडसेन नॉर्वे के थे। रॉबर्ट स्वान कहाँ गए बेटा? दोनों में गए हैं। और पीटर हैबलर कहाँ गए हैं बेटा? माउंट एवरेस्ट, वो भी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के। चलते हैं अगला, एकदम नया लाया कुआ प्रश्न है। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश, अरविंद कुमार टाइगर इज बैक। अरे यार बैक वो होता जो कहीं जाता है, इन बैक है कुछ नहीं, यहीं पर है, ठीक है। चलो भाई चलिए फटाफट। हाँ, इसका आंसर जिन बच्चों ने आयरलैंड दिया है, बिल्कुल सही मारा है आपने बेटा, आयरलैंड इसका आंसर बिल्कुल सही। चलिए लास्ट प्रश्न चलते हैं, अंतिम प्रश्न में बहुत सोच समझ के क्वेश्चन देना, आंसर देना, ठीक है ना। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ऐसे प्रश्न बनाए हैं। डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी बताइए फटाक से। आनंद ए, पारुल सिंह ए, प्रगति ए,
अब तुम टेंशन दे रहे हो, तुम लोग फिर मूड खराब कर रहे हो हमारा। ये आओ डेल्टा बनावत दक्षिण भारत ना जी, ये भी डेल्टा बनाती, ये भी डेल्टा बनाती, ये तीनों नदियां डेल्टा बनाती। कौन से बार पूछ रहा है? डेल्टा ना बनाने वाली आंसर होगा नर्मदा, ये क्या बनाती? एस्चुरी, ठीक है ना, यही आंसर है। जल्दबाजी आप लोगों ने की, ठीक है ना। तो ये बेटा आज के आपके 15 प्रश्न हो गए, और ये वाला काम बताने की जरूरत नहीं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हम यूं ही आते रहेंगे और आप भी यूं ही आते रहेंगे, कारवा बढ़ता रहेगा और क्वेश्चनों की झड़ी यूं ही लगती रहेगी, ठीक है ना। तो हम लोग मिलते हैं अभी कुछ समय बाद, 2 कप आपके लिए चाय, 1 कप हमारे लिए चाय और 1 कप हमारे अंकित भैया के लिए चाय। 10 मिनट के अंदर तुरंत हाजिर होइए, जितने लोग बच्चे हैं सभी के सभी, क्योंकि अभी राफेल बाकी है और राफेल की उड़ान बाकी है। जय हिंद, जय भारत।